उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से महोबा जिले के 10 कुम्हारों कामगारों को विद्युत चलित चाक वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के तत्वावधान में विद्युत चलित चाक का निःशुल्क वितरण उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने किया। दीपावली से पहले कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक मिलने से कुम्हार कामगार गदगद हैं। लाभार्थियों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चाक मिलने से दीपावली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में दीपक बना सकेंगे। देश में चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहिष्कार होने के बाद हस्तकला को व स्वदेशी दीपकों की मांग बढ़ी है। सरकार के इस प्रयास से माटी कला को प्रोत्साहन मिला है। महोबा के विकास भवन स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दर्जा प्राप्त मंत्री व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के शिल्पियों खासकर माटी से घरेलू उत्पाद सजावटी सामान बनाने वाले शिल्पियों की कार्य क्षमता उत्पादन बढ़ाने के साथ ही आर्थिक उन्नति के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया है। प्रदेश की योगी सरकार ने प्रजापति समाज के कठिन परिश्रम को समझते हुए इतिहास में पहली बार कुम्हार समाज की विद्युत चाक का हर एक जनपद में वितरण किया जा रहा है। साथ ही विद्युत चलित चाक पाने वाले लोगों ने बताया कि इस चाक से हम अपने रोजगार को और बढ़ा सकते हैं। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्यौहार है जिसमें हम ज्यादा दीपक बनाकर बेच सकते हैं। साथ ही इस चाक से कम समय में ज्यादा काम करने में आसानी मिलेगी। हम सरकार को इस काम के लिए बधाई देते हैं। महोबा विकास भवन में लोगों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से दीपावली से पहले सीएम योगी ने हम सभी प्रजापति समाज के कामगारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दीपावली से कुछ दिनों पहले विद्युत चाक मिलने से हमारे व्यापार में बहुत बड़ा फर्क सामने आएगा। आज महंगाई के दौर में सीएम ने हम सबको गरीबी से उबार कर स्वावलंबी बनाने का निर्णय लिया है जो अब इस विद्युत चाक के माध्यम से सफल होंगी। बहुत खुशी हुई है हमें ये समझ के मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रदेश सरकार को। इसमें ये हमारी जीविका के लिए चाक निःशुल्क वितरण के लिए है और इससे हालांकि हमारा रोजगार में बहुत ज्यादा स्पीड आएगी क्योंकि जो मेहनत हमारी हाथ से चलाने वाले चाक में हुआ करती थी उससे हमारी मेहनत भी प्लस समय भी बचेगा। दिवाली आ रही है इसमें क्या करें? दीपावली में जो अगले वर्ष दीपावली में हमारे यहाँ पनवाड़ी गांव में बहुत ज्यादा दीपक की शॉर्टेज हुई थी। एक दीपक 5 रुपए का बिका था, अब ये पोजीशन नहीं होगी। उससे लोगों को भी फायदा होगा और प्लस हमें भी समय पर बचत रहेगी। तो इसलिए ज्यादा जैसे कि बाजार में झालरें वगैरह बंद हो गई है तो क्या लगता है? हाँ, दीपक का उपयोग सबसे ज्यादा होगा। जो शुभ होता है मिट्टी का दीपक है वो सबसे शुभ माना जाता है। जी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हमारा बच्चों का आने वाली पीढ़ी का भविष्य बढ़ेगा और मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग को बहुत अच्छा ये किया है, इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। कुछ पैसा लगा है आपको इस चीज़? नहीं, हमारा कोई पैसा नहीं लगा, ये सरकार की तरफ से ये हमको सब मिला। क्या लगता है आपको रोजगार एक बार फिर रोजगार हमारा एक बार फिर चल जाएगा बढ़िया तरीके? अच्छा दिवाली आ रही है तो दिवाली तो बहुत अच्छी मनेगी अब। हम लोग बहुत परेशान थे, कच्चे चाकर चलाते उतना काम नहीं कर पाते थे, अब हमारा काम है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या नाम? मेरा नाम बरदानी है। पहले तो मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश के माटी कला से जुड़े परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने उन परिवारों के रोजगार के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया। माटी कला बोर्ड के गठन के बाद में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में माटी कला से जुड़े परिवारों का एक चिन्हीकरण का अभियान हम लोगों ने चलाया। उस अभियान के तहत जितने नाम हमारे पास और उनके पते पहुंचे उन सबको टूल किट्स वितरण का कार्यक्रम हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। दो दो समितियां सभी जनपदों में हम लोग बना रहे हैं। उस समिति में समिति जगह उपलब्ध कराएगी, 25% समिति अपने खाते में जमा करेगी और बाकी 10 लाख रुपए की टूल किट से हम निःशुल्क लगा करके वहां दे रहे हैं उनके स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए। उसी में एक हमारी योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, माटी कला से जुड़े जो शिल्पियां हैं जो अच्छी अच्छी बड़ी सुंदर कृतियां बनाते हैं उन सबको मार्केट में लाने के लिए, उन सबकी उनकी कृतियों का प्रचार प्रसार के लिए और उनको मनोबल बढ़ाने के लिए एक पुरस्कार कमिश्नरी स्तर पर एक पुरस्कार की योजना हमारी माटी कला बोर्ड की है। वो कोरोना काल की वजह से अभी हम रोके पड़े हैं, आगे वाले आने वाले समय में हमारे 4 कमिश्नरी पे हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं कोरोना से पहले। कोरोना के समापन के बाद फिर इस योजना को शुरू करेंगे, उसमें हम प्रथम सेकंड और थर्ड पुरस्कार देते हैं। हमारी चयन कमेटी होती है, वो तय करती है कि किसको क्या पुरस्कार दिया जाए।
नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।